रुक करते खबरों की ओर। बुरहानपुर में वन कर्मियों पर हमले के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसमें जागृत आदिवासी संगठन के नितिन वर्गीस की भूमिका संदिग्ध है। 36 लोगों के बयानों में नितिन का नाम सामने आया है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि कॉल डिटेल बता रही है कि अतिक्रमणकारियों को यहाँ भिजवाया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लगातार फोन से संपर्क रहा है, 4 से 5 बार जो है वो कॉल हुए हैं। और जब ये घटनाक्रम हो रहा था, जब वन विभाग के रेणुका डिपो में तोड़फोड़ हो रही थी, उस समय पे भी वो कॉलिंग दिख रही है उसके अंदर। और जो लोगों का बोलना है, जो 36 लोग गिरफ्तार किए हैं, उनके बयानों में भी आया हुआ है कि नितिन के बोलने के बाद ही कि भाई 4 लोग गिरफ्तार हुए, आप जाके देखिए वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक संज्ञान में उनके था और उन्हीं के द्वारा वो लोगों को भेजा था। तो क्या रोल है इसके पीछे, उसके लिए उसको पूछताछ के लिए नोटिस दी गई है। और अभी 9 तारीख को, अभी तो मेरे ख्याल से आज वो इमीडिएटली भोपाल चला गया है। जैसे ही वो भोपाल से वापस आएगा, 9 तारीख के आसपास में बयान के लिए उसको बुलाया है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। अगर कोई भी उसके अंदर संलिप्तता पाई जाती है तो अग्रिम कार्यवाही जिम्मेदारी।